एवरीवन, आज हम बना रहे हैं डिलीशियस एंड डाइजेस्टिव ड्रिंक कांजी वड़ा एंड ब्लैक कैरेट कांजी। साथ में बन रहे हैं दही बड़े और राम लड्डू, जिसके लिए हमें अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बना रहे हैं हम कांजी, और कांजी बनाने के लिए ले रहे हैं हम मस्टर्ड सीड्स पाउडर, जीरा पाउडर, टर्मरिक पाउडर, व्हाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, हींग, ब्लैक पेपर, ब्लैक कैरेट एंड ग्रीन चिली। ग्रीन चिल्ली का हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम एक बोल ले रहे हैं, बोल में डाल रहे हैं राई पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट, थोड़ी सी हींग और ग्रीन चिली पेस्ट। यहाँ हमने रेड चिल्ली ऐड नहीं किए हैं, और इसमें डाल रहे हैं पानी। पानी हम यूज करेंगे टोटल 1 लीटर। अभी हमने 1/2 लीटर पानी डाला है, क्योंकि हमारे बोल छोटे हैं। अगर आपका बोल बड़ा है तो आप 1 लीटर पानी एक साथ डाल सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1/2 पानी हम बाद में डालेंगे, जब हमारी कांजी रेडी हो जाएगी। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। ये देखिए इस तरह से। अब एक बोल में डाल रहे हैं हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसको मिक्स कर लेते हैं, और हमने ब्लैक कैरेट को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, और दूसरे बोल में ऐड कर रहे हैं ब्लैक कैरेट। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको कवर करते हुए रख देंगे 3 से 4 दिन के लिए, और 3 दिन बाद हम इसको चेक करेंगे। बीच बीच में रोज हम इसको मिक्स करते रहेंगे। 3 दिन हो चुके हैं, आइए चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं येलो कांजी हमारी बहुत बढ़िया लग रही है, और ब्लैक कांजी भी हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये देखिए, अब हम लगाएंगे इसमें हींग स्मोक का तड़का। हींग स्मोक के तड़के के लिए हमने एक कोयला लिया है, कोयले को गैस पे जला लिया है, और इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा देसी घी और 1 चुटकी हींग, और बहुत ध्यान से इसको उठा के रखेंगे कांजी के ऊपर, और इसको हम कवर कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर एक मोटा कॉटन क्लॉथ का कपड़ा कवर कर दें, जिससे जो स्मोक है ये चारों तरफ से लॉक हो जाए, और हमारी कांजी के अंदर एक अच्छा सा हींग का स्मोकी फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, इस तरह से हमारी कांजी बहुत ही बढ़िया बनती है। उसमें से हींग की बहुत बढ़िया खुशबू आती है। इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे। इस बीच हम बिल्कुल भी इसको खोलेंगे नहीं, 10 मिनट के बाद ही खोलेंगे। और इसी तरह का तड़का हम अपनी ब्लैक कांजी में भी लगा लेते हैं। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं। हमारी कांजी एकदम रेडी है। अब बनाते हैं हम वड़े। वड़ों के लिए हम ले रहे हैं मूंग दाल, उड़द दाल, हरा धनिया, ग्रीन चिल्ली, सॉल्ट, जिंजर एंड हींग। सबसे पहले हमने दोनों दालों को अच्छी तरह से वॉश किया है, 2 घंटे इनको सोक किया है, और इनको हमने पीस लिया है। अच्छे से इसको ग्राइंड किया है बिना पानी के। ध्यान रखेंगे पानी ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी हींग, चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिली और ढेर सारा हरा धनिया। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। सिर्फ मिक्स ही नहीं करेंगे, इसको हम बहुत अच्छे से बीट करेंगे, जिससे हमारे जो वड़े हैं एकदम फ्लफी बने। आप देख सकते हैं दाल को बहुत अच्छे से फेंटना हमको। ये देखिए, इस तरह से हमारी दाल काफी फ्लफी हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमने इसमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक। इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, दाल हमारी एकदम रेडी हो चुकी है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। पानी में थोड़ा सा मिक्सचर ऐड कर रहे हैं हम। ये देखिए, ये दाल का मिक्सचर हमारा फ्लोट कर रहा है। इट मींस हमारी दाल एकदम रेडी है। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो हम बड़े बना रहे हैं इसमें एकदम छोटे छोटे साइज के। आप देख सकते हैं साइज बहुत छोटा है, शेप एकदम गोल गोल आई है, क्योंकि हमने दाल को बिना पानी के पीसा था। अगर पानी डाल के पीसेंगे तो यहाँ इनकी शेप एकदम फ्लैट हो जाएगी, शेप गोल नहीं आएगी। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे साइज के बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ये जाएंगे हमारी कांजी में, और बनेगा हमारा कांजी वड़ा। छोटे छोटे वड़े हमारे सर्व करने में और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये ढेर सारे बड़े हम एक साथ डाल देते हैं। यहाँ गैस फ्लेम हमारी रहेगी मीडियम टू लो, जिससे हमारे जो वड़ों की दाल अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए।
और एक अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आना शुरू हो गया इसमें। ये देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे बड़े हमारे कांजी में जाने के लिए तैयार हो गए। कलर बहुत अच्छा आ चुका है, इनको निकाल लेते हैं हम। अब हम बना रहे हैं थोड़े से बड़े साइज के बड़े। आप देख सकते हैं साइज इनका काफी बिग है और शेप इनकी एकदम गोल है। ये देखिए आप चाहें तो इसमें स्टफिंग भी कर सकते हैं। अभी हमने स्टफिंग नहीं की है, हम बिल्कुल प्लेन बना रहे हैं। ये बड़े जाएंगे हमारे दही में और बनेंगे हमारे दही बड़े। आप देख सकते हैं एकदम गोल गोल बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है, इनको भी निकाल लेते हैं। अब हम बना रहे हैं मीडियम साइज के बड़े, ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा बड़े। आप देख सकते हैं साइज बहुत अच्छा लग रहा है। ये बड़े जाएंगे हमारे ग्रेटेड मूली और चटनी के साथ। अब बनेंगे हमारे राम लड्डू। आप देख सकते हैं एक ही दाल से हमने तीन तरह के वड़े बना लिए हैं, छोटे बड़े और मीडियम। और देखिए इनको भी हम अच्छा से कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं छोटे बड़े और मीडियम। अब हम छोटे और बड़े जो हमारे दही में जाएंगे और जो कांजी में जाएंगे, इन दोनों को पानी में हम सोक करेंगे गर्म पानी में, और उसके बाद स्क्वीज कर लेंगे इनको और उसके बाद इनको सर्व करेंगे। ये देखिए अब हम इनको सर्व करते हैं। छोटे बड़े जा रहे हैं हमारे कांजी में, बड़े वाले जा रहे हैं हमारे दही में, और मीडियम जा रहे हैं हमारे ग्रेटेड मूली और चटनी के साथ। तो रेडी हमारा कांजी वड़ा, ब्लैक कैरेट कांजी, दही वड़ा एंड राम लड्डू।